हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको बताएंगे जो रामलला के घर घर चावल बांटे जा रहे हैं उनका क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इसको लेकर लोगों को अक्षत देकर न्योता दिया जा रहा है। लेकिन यह ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में कि आखिर श्री राम मंदिर से अक्षत के रूप में आए चावलों का क्या करें, किन शुभ कामों में कर सकते हैं, यह प्रयोग चावलों से क्या बनाया जा सकता है, इस बात का लेकर ज़्यादातर लोगों में कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो आइए आपको हम बताते हैं आगे वीडियो में। अयोध्या में वर्षों से अटका श्री राम मंदिर निर्माण कार्य जब जोरों पर है। हालांकि निर्माण कार्य आधे से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दिन को पर्व की तरह मनाने की तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। इस दिन के साक्षी बनने के लिए देश दुनिया से हजारों लोग अयोध्या नगरी पहुंचने लगे हैं। वही लोगों का बुलावा भी शुरू हो गया है। इसके लिए गांव-गांव घर-घर खास अंदाज में न्योता भेजा जा रहा है। राम भक्त घर-घर जाकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत यानी चावल देकर न्योता दे रहे हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि आखिर राम मंदिर से आए चावलों का क्या करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। कासगंज की तीर्थ नगरी सोरों के ज्योतिषाचार्य, पुरानी परंपरा है अक्षत का न्योता। भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में लोग एक दूसरे को किसी उत्सव या कार्यक्रम का न्योता देने के लिए अक्षत का उपयोग करते थे। अक्षत यानी चावल देकर लोगों को निमंत्रण भेजा जाता था। इसके लिए हल्दी में रंगे हुए पीले चावलों का उपयोग किया जाता था। हिंदू धर्म में अक्षत का विशेष स्थान है और कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान या धार्मिक कार्य अक्षत के बिना पूरा नहीं होता। निर्माण में मिले अक्षत का क्या करें, तिजोरी में रखे अक्षत। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गौरव दीक्षित बताते हैं कि चावल गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शुक्र ग्रह से धन वैभव लक्ष्मी समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसका लाभ लेने के लिए चावल को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से मंगल और चंद्र दोनों सक्रिय होकर लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे, इससे घर में खुशियां आएंगी। खीर का प्रसाद बनाएं। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक राम मंदिर से मिले चावलों का बहुत महत्व होता है, इसलिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए इन चावलों की से खीर बनाई जा सकती है। इसके बाद इस खीर को परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटें। ऐसा करने से घर में समृद्धि बनी रहेगी। मस्तक पर तिलक करें। श्री राम मंदिर से आए चावलों का क्या करें, इस चावल पर डॉक्टर गौरव दीक्षित बताते हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता में मिले चावलों का विशेष महत्व है। शुभता के लिए भी निशानी माने जाते हैं, इसलिए जब भी आप शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं तो इन चावलों को तिलक से के रूप में मस्तक पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से कोई भी कार्य आसानी से बन जाता है। अपनी रसोई में प्रयोग करें। यदि आपको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण में अक्षत मिले हैं और सोचते हैं कि इसका क्या करें, तो बात बता दें कि जिन लोगों की हाल में शादियां होंगी तो उनकी दुल्हन अपनी पहली रसोई में इन चावलों का प्रयोग कर सकती है। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और घर में मेल मिलाप बना रहता है। बेटी का कन्यादान करें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक धार्मिक दृष्टिकोण से अक्षत का विशेष महत्व है, इसलिए इन चावलों को पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिस
लड़कियों की हाल में शादी होनी है। उनके पिता उन्हें सौभाग्य के रूप में राम मंदिर से आए चावलों से कन्यादान कर सकते हैं। ऐसा करने से जिस घर में बेटी जाएगी वहां बरकत होने लगेगी। तो फ्रेंड, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।